सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे स्प्लेंडर में जो फ्रंट का जो रिंग है वो पूरा जंग लग के ख़राब हो गया है। उसका आज एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको रिंग और स्पोक जो है चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ये देख सकते हैं सामने में ये रिंग है, जैसे कि मैंने हीरो के स्पेयर पार्ट वाले शोरूम से लिया है, जिसका कॉस्टिंग आया है 810 रुपीज़ का। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पोक्स है, इसकी कॉस्टिंग आई है 275 रुपीज़ की, और ये ओरिजिनल है। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आपको ऑटोमोबाइल से जो भी क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टायर को बाहर पहले निकाला जा रहा है, फिर पुराना वाला जो रिंग है स्पोक है उसे अलग किया जाएगा। हब तो वही पुराना वाला यूज़ हो जाएगा। ये देख सकते हैं रिंग कितना सड़ गया है, और उसके जो सेंटर में है वो ट्यूब को काट कर लगाया जाता है ताकि स्पोक की वजह से जो ट्यूब है उसमें कुछ भी दिक्कत ना आए, ट्यूब कटे ना इसलिए। और बात करें स्प्लेंडर की उम्र की, तो जो मेरा बाइक है उसे हमने लिया था 8th of November 2004 में, और आज है 22nd of September 2022। तो लगभग 2 महीने बाद इस बाइक को 18 साल होने वाले हैं, 18 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं इसे अभी ओपन किया जा रहा है उसके रिंग को, और ये जो बाइक रखा है मैंने इसका जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुका है 15 इयर्स में, जैसा कि हो जाता है। तो मैं इस गाड़ी को सिर्फ सिटी में ही चलाता हूँ, सिर्फ अपने घर के आसपास में, हाईवेज़ वगैरह पे नहीं लेके जाता हूँ। बाहर मुझे जाना होता है तो दूसरे बाइक या फिर मेरे कार से चला जाता हूँ। और ये देख सकते हैं ये है नए वाले स्पोक्स, और ये देख सकते हैं पुराना हब है, हब नया नहीं लगेगा। पुराने वाले स्पोक्स को काट करके निकाल दिया गया है, और कुछ इस तरीके से फिटमेंट होता है स्पोक्स का रिंग में हब के साथ। और फिटिंग होने के बाद उसे टाइट किया जाता है कुछ इस तरीके से। और ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसमें व्हील को रख करके चेक किया जाता है ये कहीं से बेंड तो नहीं है। और अब देख सकते हैं टायर वगैरह लग करके हमारा जो व्हील है वो कंप्लीट रेडी हो गया है, अब बस हम इसे बाइक में लगाएंगे। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं बाइक के रिंग को, काफ़ी अच्छा हो गया है अब। और मैं अपने इस 18 साल पुराने स्प्लेंडर प्लस में जो भी पार्ट लगवाता हूँ सारे ही ओरिजिनल पार्ट लगवाता हूँ, हीरो शोरूम से ही लेता हूँ इसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं, इसलिए आज भी ये एकदम फ्रेश कंडीशन में है ये गाड़ी।